टीचर, एक औरत एक घंटे में 50 रोटी बना लेती है तो 3 औरतें एक घंटे में कितना रोटी बनाएंगी? बच्चा, एक भी नहीं, क्योंकि तीनों मिलकर सिर्फ चुगली करेंगी। बच्चे की बात सुनकर टीचर अभी तक बेहोश है। पप्पू जलेबी बेच रहा था, लेकिन कह रहा था आलू ले लो आलू ले लो। रागिर, लेकिन ये तो जलेबी। पप्पू चुप हो जाओ वरना मक्खियाँ आ जाएगी। वकील, हत्या की रात तुम्हारे पति के अंतिम शब्द। पत्नी, मेरा चश्मा कहाँ है? संगीता। वकील, तो इसमें मानने वाली क्या बात थी? पत्नी, मेरा नाम रंजना है। पूरा कोर्ट खामोश। एक सज्जन बता रहे थे कि वो पिछले 20 सालों से गीता के उपदेश सुनते आ रहे हैं। पता करने पर पता चला कि गीता उनकी धर्म पत्नी का नाम है। मास्टर जी, शांति किसके घर में रहती है? पप्पू, जिस घर में पति और पत्नी दोनों मोबाइल चलाते हैं। यमराज औरत से, चलो मैं तुम्हें लेने आया हूँ। औरत, बस 2 मिनट दे दो। यमराज, 2 मिनट में ऐसा क्या कर लोगी? औरत, फेसबुक पर स्टेटस डालना है, ट्रैवलिंग तो यम लोग। यह सुनकर यमराज जी हो गए बेहोश। पप्पू और बप्पू बात कर रहे थे। पप्पू बोला, मेरा बात सबको परेशान करता था तो कल शाम को मैंने उसको खाली पेट टिफिन में चुपके से 2 चॉकलेट रख दी और 1 पर्ची डाल दी। पर्ची में लिखा था, जानू दोनों तुम ही खाना, उस चुड़ैल को मत देना। आज बास लंगड़ाते हुए ऑफिस आया था, चेहरा इतना सूजा हुआ था कि आँख भी नहीं खोल पा रहा था। एक शराबी ने दोस्तों के साथ पार्टी का प्रोग्राम बनाया और अपने ही घर से रात को बकरा चोरी किया और खूब दावत की। सुबह जब गौरव पहुंचा तो बकरा घर पर ही खड़ा था। शराबी ने अपनी बीवी से पूछा, बकरा कहाँ से आया? बीवी गुस्से में, बकरे को गोली मारो, रात से अपना कुत्ता गायब है। पति पत्नी का 1 घंटे से चल रहा झगड़ा पति के द्वारा बोली गई सिर्फ 1 लाइन में खत्म हो गई, और वो लाइन थी, सुंदर वो तो कुछ भी बोलोगी क्या? पत्नी, सुनो जी, अगर मैं वक्त होती तो शायद सबको मेरे बहुत ज्यादा कद्र होती ना। पति, हाँ प्रीतम, तुम्हारा खौफ होता चारों तरफ। पत्नी, खौफ क्यों होता? पति, अरे तुम्हें देखते ही लोग सहम जाते हैं और कहते, देखो बुरा वक्त आ रहा है। पत्नी, मैं तो तंग आ गए हूँ उस आदमी से, कोई काम ठीक से नहीं कर सकता। पत्नी, अरे भाग्यवान, अब क्या खता हो गई मुझसे? पत्नी, ये कल तुमने गैस खत्म होने पर कैसा सिलेंडर लगाए हैं? 2 बार दूध गर्म किया, दोनों बार ही फट गया।